फ्री खाना नाम खिलाने पर इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की गुंडाई भी सामने आई और रूहेल खंड चौकी इंचार्ज और बारादरी इंस्पेक्टर पर गुंडाई का आरोप भी है। बजरंग ढाबा मालिक को जमकर हड़काया गया और ढाबा मालिक की गाड़ी का जबरन चालान भी किया गया। ढाबा मालिक ने आईजी रमित शर्मा से इस बात की शिकायत की और इसके साथ ही फ्री खाना ना देने पर ढाबा बंद करने की धमकी भी दी गई है। आईजी ने एसपी सिटी को जांच सौंप दी है। तो बरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ढाबा मालिक की गाड़ी का जबरन चालान किया गया है। तो ढाबा मालिक ने आईजी रमित शर्मा से इस बात की शिकायत की है और फ्री खाना ना देने पर ढाबा बंद करने की धमकी भी दी गई थी ढाबा मालिक को और आईजी ने एसपी सिटी को जांच सौंपी है। जबरन चालान किया गया ढाबा मालिक का, खाना ना देने पर, फ्री में खाना ना देने पर चालान किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ सानू जुड़े हुए हैं। सानू, जिस तरह से ढाबा मालिक पर जबरन चालान किया जाता है और फ्री में खाना ना देने पर उस पर कार्रवाई भी करने की बात की जाती है, तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए वंदना, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये बारादरी थाना क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास पर ये ढाबा बना हुआ है, जैसे जो कि बजरंग ढाबा के नाम से संचालित है और यहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने कल आईजी रमेश शर्मा को एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने गुहार लगाई है कि जो रोहिलखंड चौकी प्रभारी हैं और जो कि बारादरी इंस्पेक्टर हैं नीरज मलिक, ये लोग लगातार ढाबे पर फ्री खाने की बात करते हैं और लगातार काफी लंबे समय से ये फ्री खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं और इनसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है, लेकिन जब पैसा मांगने की बात होती है तो ये हड़काना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मामला परसों की आज कल का सामने आया, जब उन्होंने पैसे मांगे गए, ढाबे के जो कर्मी हैं उनकी तरफ से जब पैसे मांगे गए तो उनको हड़काया गया, लेकिन जब तड़के सुबह खुद चौकी प्रभारी पहुंचते हैं, रोलखंड चौकी प्रभारी, और वो ढाबा मालिक को हड़काने लगते हैं और उसके बाद बारादरी इंस्पेक्टर भी वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने भी गाली गलौज शुरू करना कर दी और ढाबा बंद करने की साफ तौर पर से धमकी दी गई है, और जो कि साफ तौर पर से एप्लीकेशन में भी दर्शाया गया और साथ ही जो ढाबे पे गाड़ी खड़ी हुई थी गाड़ी का चालान भी किया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो अब बदमाशी है वो साफ तौर पर से नजर आ रही है कि पुलिस दबंगई वाला अपना रुतबा अजमा रही है और जो कि जो ढाबा संचालित है उनके ऊपर हड़काने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर के आईजी रमेश शर्मा के पास गुहार लगाई गई है, लेकिन आईजी रमेश शर्मा ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसपी सिटी रविंद्र कुमार को जांच सौंपी है। देखने वाली बात होगी वंदना, आखिर ऐसे पुलिस कर्मियों पर कब कार्रवाई होती है जो इस तरीके का रवैया अजमाते हैं। वंदना, बिल्कुल सानू, ये बहुत ही देखने की बात होगी कि इन पर कब कार्रवाई होगी, कब रोक लगेगी। पूरी जानकारी देने के लिए सानू आपका शुक्रिया। तो बरेली से आपको खबर बता रहे जहाँ पर पुलिस की दबंगई सामने आई है, वो फ्री में खाना न देने पर ढाबा चालक पर उन कार्रवाई करने की भी बात कही है। खबर आ रही है जहां पर